लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी के एहतजाजी मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। हाईकोर्ट ने धरने की मीडिया कवरेज पर पाबंदी लगा दी। मॉल रोड धरनों के खिलाफ समाअत पर जस्टिस जवाद हसन ने रिमार्क दिए कि ये लोग कैसे मॉल रोड पर बैठकर दूसरों का हक सलब कर सकते हैं। पहले मरहले में महकमा कार्रवाई करे, दूसरे मरहले में DIG ऑपरेशन को कहेंगे। मुजाहिरीन के खिलाफ तौहीन अदालत की भी कार्रवाई होगी। दरख्वास्त पर समाअत 25 नवम्बर तक मुलतवी। हाईकोर्ट के फैसले के बाद मॉल रोड के ताजिर भी एक्शन में आ गए। रैली की सूरत में फैसल चौक पर धावा, मुजाहिरीन की मेज कुर्सियां तोड़ दी, चटाइयां लपेट दी और कनातें उखाड़ कर पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी का धरना उलट दिया। धरनों और एहतजाजों से बदहाल कारोबार की बहाली के लिए इकदाम से मॉल रोड पर ट्रैफिक भी बहाल हो गई। बारिश, जहरीले बादलों से छुटकारे का सहारा। महकमा मौसमियात ने 27 नवंबर से अबरे 12 की नबीद सुना दी। आइंदा पूरे हफ्ते मौसम अबर आलूद रहने का इम्कान। हवाएं चलने से भी एयर क्वालिटी इंडेक्स कम होगा। मतवातर जारी स्मॉग के सबब दमे के मरीजों, बच्चों को सांस लेने में दुश्वारी का सामना। छुट्टियों से तालीम इदारों में इम्तिहानी निजाम मुतासर। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का दिसंबर के टेस्ट जनवरी में लेने पर गौर। स्मोक से बचने के लिए आम मास्क कारगर नहीं, ग्रेड N99 मास्क पहने। महकमा माहौलियात की जानिब से शहरियों को आगाही, बच्चों को बिला जरूरत घर से बाहर भेजने से एहतजाज। साफ पानी के ज्यादा इस्तेमाल और खुराक में सब्जियां बढ़ाने का मशवरा। लाहौरियों के लिए गंदे पानी से सब्जियों की कास का घिनौना धंधा उरूज पर। महकमा ज़राअत ने जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई फूड अथॉरिटी पर डाल दी। पंजाब असेंबली में जमा कराए गए जवाब में बताया, हल्लों की गजुमत्ता में फसलों को गंदा पानी दिया जा रहा है। काश्तकारों को नुकसान से आगाही देते हैं, रोकना हमारा काम नहीं। लाल टमाटर इंतजामिया की नाकामी की अलामत बन गए। सरकारी नेखनामे में 190 रुपए किलो टमाटर की, रिटेल मार्केट में 300 रुपए तक किलो धड़ल्ले से फरोख जारी। ईरानी टमाटर की दरामद भी बेफायदा। 220 रुपए किलो मिलने वाले ईरानी टमाटर सस्ते कैसे बेचें, दुकानदारों का सवाल। सारिफिन कहते हैं बगैर टमाटर खुश जायका खाना कैसे पका।